नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जांगेड़ स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान कांस्टेबल परीक्षा के लिए महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित योजनाएं, और ये इसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया है, और पास्ट जो इसका पार्ट फर्स्ट था उसमें आपका शानदार रेस्पॉन्स रहा। मैंने सारे कमेंट्स देखे, आपको ये वीडियो है, ये जो योजनाएं हैं बहुत अच्छे से पसंद आई है। साथ ही आपके कमेंट्स ऐसे भी थे कि सर आपके आपने बोला था कि वीडियो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन आपने वीडियो कंटिन्यू आपकी आ रही रही है, तो उसके लिए मैं दिल से आपको सॉरी बोलता हूँ, माफी मांगता हूँ कि ये चीज़ नहीं हो पाई। कुछ इसके कारण थे जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाई है, लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊंगा पक्का। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम जो योजनाएं हैं वो बिल्कुल पढ़ेंगे, सारी योजनाएं पढ़ने वाले हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो मैं बिल्कुल अभी भी यही कह रहा हूं कि हम चीजें कंप्लीट पढ़ेंगे। हाँ, 2-4 दिन के लिए मैं थोड़ा सा बिजी हूं, तो वहां थोड़ी समस्या रह सकती है, लेकिन वीडियो आपके लिए प्रॉपर आएंगे, कंटिन्यू चीजें चलेगी, शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, याद करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। साथ ही कुछ बच्चों के ये भी कमेंट्स थे कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो देखो, इस जो वीडियो है, जो आपके जितने भी चीजें पढ़ाई जा रही है, उसकी पीडीएफ आपको क्वालिटी एजुकेशन जो का जो टेलीग्राम चैनल है, क्वालिटी एजुकेशन आरएस, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और कमेंट्स कुछ ऐसे भी थे कि सर हमें कंफ्यूजन है कि योजनाएं आएगी या हमें सारे जो नियम धाराएं हैं वो पढ़नी है। तो देखो, उसके लिए भी मैंने आपके लिए कुछ चीजें यहाँ पर लेकर आया हूँ। ऐसे कमेंट्स थे कि बस सर मेरे को कंफ्यूजन है कि हमारे पास जो योजनाएं पढ़नी है या सारे जो नियम पढ़ने हैं। तो देखो, आप नोटिफिकेशन देखोगे ना आपका, या आपको शायद दिख रहा होगा नोटिफिकेशन, या आप नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है आपके जो सिलेबस में कि महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों व उसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं संस्थाएं से संबंधित जानकारियां। देखो, यहाँ आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ आपके ओनली यही लिखा हुआ है कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं संस्थाओं से संबंधित जानकारी। मतलब हमें योजनाएं पढ़नी है और जो संस्थाएं हैं वो हमें पढ़नी है। लेकिन जो पहले जो एग्जाम हुआ था, 2021 वाला जो नोटिफिकेशन है, उसमें बिल्कुल सही बात है कि उस समय जो पहला एग्जाम हुआ था उसमें जरूर आपकी सारी चीजें थी। देखो, उसमें लिखा हुआ था महिलाएं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उससे संबंधित कानूनी प्रावधान नियमों की जानकारी। मतलब यहाँ आपके प्रावधान नियम पूछे थे, लेकिन अब जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है। अब आपको बस क्या पढ़ना है, योजनाएं पढ़नी है और संस्थाएं पढ़नी है। और मैंने फिर वापस बोलता हूँ कि हम बिल्कुल कंप्लीट योजनाएं पढ़ने वाले हैं, सारी संस्थाएं हैं वो पढ़ने वाले हैं, तो आपको टेंशन किसी प्रकार का नहीं लेना है। साथ ही मैं आपके सारे कमेंट्स देखता हूँ, आपको ये नहीं सोचना है कि सर तो कमेंट्स देखते नहीं होंगे। मैं आपके सारे कमेंट्स देखता हूं और मैं बिल्कुल प्रयास करता हूं कि आपकी वीडियो है वो बिल्कुल कंटिन्यू लाए जाए। हाँ, कुछ समस्याएं हैं, कुछ अभी निजी कारण है जिसकी वजह से मैं वीडियो आपके लिए प्रॉपर नहीं ला पा रहा हूं, तो उसके लिए मैं बिल्कुल आपसे सॉरी मांगता हूँ कि ये चीजें नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि सारी चीजें हैं वो बिल्कुल कंटिन्यूटी में हम पढ़ने वाले हैं, सारी अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे। और जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि मेरा लक्ष्य क्या है कि हम चीजों को याद करते हुए चले, ऐसा ना हो कि हम जल्दीबाजी में पढ़ तो बहुत ज्यादा रहे हैं लेकिन चीजें याद नहीं हो रही है, तो ऐसी समस्या अपने पास नहीं रहने वाली है। तो देखो, स्टार्ट करें क्लास को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आई एम शक्ति उड़ान योजना, या हम इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। इन दो नामों से योजनाएं जानी जाती हैं। इसका लोकार्पण कब हुआ था, तो ये हुआ था आपके 19 दिसंबर 2021। साथ ही देखो, आपको एक बात और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बतानी है कि आपने पार्ट फर्स्ट देखा है तो उसकी सारी योजनाएं आपको याद है क्या। बिल्कुल कमेंट करोगे, अभी कमेंट करो, आप एक बार वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको सारी योजनाएं याद है क्या जो हमने पहले पढ़ी थी, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप बोलो तो एक बार हम उनका भी रिवीजन कर लेते हैं, पहले अपन उनका रिवीजन कर ले। देखो, यह हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ी थी राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना। इसकी घोषणा के बारे में बात करूं तो बजट में घोषणा की गई थी 8 फरवरी 2024 को, दिया कुमारी जी द्वारा जो बजट पेश किया गया था, जो लेखानुदान पेश किया गया था, उसमें इसकी घोषणा की गई थी। किसके लिए है, तो समुचित शिक्षा एवं संबल प्रदान करने के लिए है। हमें सीधा प्रावधान की तरफ बढ़ना है। प्रावधान क्या है कि 1 लाख रुपए का सेविंग बोर्ड, या हम बोल सकते हैं FD प्रदान की गई है बालिकाओं को। और ये कब, इसका पैसा कब मिलेगा, जब बच्ची क्या हो जाती है, 21 साल की हो जाती है। फिर देखो, इसमें कुछ प्रोत्साहन राशि के बारे में बात की गई थी, उसमें लिखा गया था कि प्रोत्साहन राशि यदि कोई बच्ची है वो 6 क्लास में क्या लेती है, एडमिशन लेती है, तो उसे 6,000 रुपये दिए जाएंगे। जब वो 8वीं क्लास में एडमिशन लेती है, सॉरी 9th क्लास में जब वो एडमिशन लेती है, तब उसे 8,000 रुपये दिए जाएंगे। 10वीं क्लास में 10,000 रुपये दिए जाएंगे।
ग्यारहवीं क्लास में 12,000 रुपए दिए जाएंगे और 12वीं क्लास में 14,000 रुपए दिए जाएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। और 21 साल होने पर वो जो 1 लाख रुपए का जो सेविंग बोन्ड है वो भी प्रदान किया जाएगा। फिर देखो हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था लाडली सुरक्षा योजना, इसका घोषणा भी अनुदान में, लेखा अनुदान में की गई थी। और इसके तहत क्या किया जाता है, तो इसके तहत हर जिले में क्या किया जाएगा, सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे। फिर देखो आगे बात करें, आगे देखो प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई जाएगी। और साथ ही हमने ये पढ़ा था कि जो सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाता है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान के तहत, तो उसमें जो उसकी उच्चतम श्रेणी है ब्लैक बेल्ट, इसको भी किसमें शामिल किया जाएगा, स्पोर्ट्स कोटा के तहत शामिल किया जाएगा। फिर देखो हमने क्या देखा था, फिर हमने पढ़ा था लखपति दीदी सम्मेलन। तो देखो इसके बारे में हमने ये देखा था कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो राजीविका द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और राज्य में 11.24 लाख महिलाओं को इससे लाभ प्राप्त होगा। और आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी और जो अपने राज्यपाल है कलराज मिश्र जी वो उपस्थित थे। फिर देखो हमने क्या देखा था, बजट में हमने ये बात की थी केंद्र सरकार ने 3 करोड़ रुपए की, सॉरी 3 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। फिर देखो हमने पढ़ी थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसकी डेट आपको याद रखनी है 1 जनवरी 2017 को इस प्रारंभ हुई थी। और इसमें 0 से 6 माह के जो बच्चे हैं उनको स्वास्थ्य पोषण देखभाल उन संबंधी चीजों के लिए क्या दिया जाता है, प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कितने रुपए दिए जाते हैं, तो देखो इस योजना के पहले कितने दिए जाते थे, 5,000 रुपए दिए जाते थे। अब इसका भी एक कमेंट आया था बच्चे को कि सर 6,000 रुपए करे हैं, 6,500 रुपए नहीं करे हैं, तो बिल्कुल आपको इसमें 6,500 रुपए ही दिए जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले कितनी थी, तो 5,000 रुपए की राशि थी, सरकार ने बढ़ाकर कितनी कर दी है, 6,500 रुपए कर दी है। इससे 90 करोड़ का व्यय अनुमानित है। फिर देखो हमने पढ़ा था कि आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे, उसके लिए 20 आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही जो आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता हैं उनके जो मानदेय हैं उसमें भी 10% की बढ़ोतरी कर दी गई है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना प्रारंभ कब हुई, 19 फरवरी 2020 को। और इसमें भी मैंने बताया था कि पहली किस्त में 1,000, दूसरी किस्त में 1,000, तीसरी किस्त में 1,000, चौथी किस्त में 2,000 रुपए और पांचवी किस्त में 1,000 रुपए दिए जाते हैं। फिर देखो आगे बात करें, शुरू में जो 5 जिले हैं उसमें शुरू किया था, और फिर जो बजट 2022-23 आया उसमें पूरे राजस्थान में इसको शुरू कर दिया गया था। फिर देखो आगे बात करें, आगे मैंने पढ़ाया था आपके रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी टोंक के लांबा हरी सिंह में शुरुआत करी थी 1 जनवरी 2024 में। और इसकी बात करें तो इसमें क्या बताया गया था कि सरकार ने कहा था हम क्या करेंगे, 450 रुपए में, 450 रुपए में जो गैस सिलेंडर है, कितने रुपए में, 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। ये बात किसने की थी, सरकार ने कहा था। साथ ही देखो सरकार ने क्या बोला था कि हम क्या करने वाले हैं कि जो उज्ज्वला योजना है, केंद्र सरकार की जो उज्ज्वला योजना चल रही है, मैंने शायद ये पॉइंट आपको उस समय बताया नहीं था कि जो केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना चल रही है उसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो उज्ज्वला योजना चलाई जा रही है सरकार की उसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, 300 रुपए हैं वो सब्सिडी के रूप में प्रदान किए जाएंगे। कितने रुपए, 300 रुपए। वही मैं बात करूं कि राज्य सरकार कितने देगा, तो राज्य सरकार 156 रुपए प्रदान करेगा। कितने, 156 रुपए सब्सिडी के रूप में देगा। बात समझे क्या मेरी, मतलब जो बीपीएल परिवार में है, साथ ही जो उज्ज्वला योजना की जो लाभार्थी महिलाएं हैं उनको 450 रुपए में सिलेंडर प्रदान किया जाएगा, ये मैंने बात बता दी थी आपको। फिर दूसरी बात क्या कि जो केंद्र सरकार है वो उज्ज्वला योजना के तहत कितने रुपए देगी, इसमें 300 रुपए देगी सब्सिडी के तहत। और राज्य सरकार पर कितना भार आएगा, तो राज्य सरकार 156 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी के रूप में देने वाली है। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी, दो पॉइंट और इसको याद करने हैं। फिर देखो आगे बात करें अपन, फिर देखो प्रतिमा कितने सिलेंडर मिलने वाले हैं, प्रतिमा एक सिलेंडर मिलेगा और साल में कितने, 12 टोटल सिलेंडर मिलने वाले हैं। फिर देखो यहां तक हमने चीजें कंप्लीट पढ़ ली थी, अब हम बात करते हैं आज की क्लास की, मैंने सारी चीजें बता दी थी आपको। अब हम बात करते हैं आई एम शक्ति उड़ान योजना या इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना की। अब देखो यहाँ तक वापस चीजें याद करनी है अपने को, इसका लोकार्पण कब हुआ, तो 19 दिसंबर 2021 को। मेरे साथ बोलो कब, 19 दिसंबर 2021 को। नोडल विभाग कौन सा है, तो वह है आपके महिला अधिकारिता
विभाग क्या है, नोडल विभाग है। साथ ही बात करें कि इस जो आपके ये जो उड़ान योजना है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है महिलाओं में महावारी संबंधित जागरूकता पैदा करना, सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग हेतु प्रोत्साहन करना। साथ ही देखो लाभार्थी कौन है, तो 10 से लेकर 45 वर्ष की जो बालिकाएं हैं वो क्या है इसमें लाभार्थी है। प्रावधान क्या किया गया है कि प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिमाह 12 जो सैनिटरी नैपकिन है वो निःशुल्क प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फिर देखो आगे बात करें, आगे देखो एक क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, इसके बारे में बात करें क्या लिखा हुआ। देखो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो ऑप्शन देखो आप, महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाना, धार मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना, महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, बालिकाओं को शिक्षा की स्थिति में सुधार करना। तो देखो राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आप भी बिल्कुल अच्छे से कर पाओ, इसके लिए सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। फिर जब आगे बात करें, आगे है आपके लिए पालनहार योजना। पालनहार योजना की बात करें तो शुरुआत कब हुई, तो 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। नोडल विभाग कौन सा है, तो सामाजिक न्याय एवं जो आधिकारिकता विभाग है वो क्या है इसका नोडल विभाग है। फिर देखो इसमें देखो 2 श्रेणियां हैं, ध्यान से चीजों को समझना। जो पालनहार योजना है इसमें समझने की चीज है क्या कि इसमें 2 प्रकार की श्रेणी बनाई गई है। एक तो श्रेणी है अनाथ बच्चों की, अनाथ कौन होता है, इसके माता और पिता दोनों इस दुनिया में नहीं है, वो क्या है अनाथ है। तो एक श्रेणी तो अनाथ बच्चे की होगी, और एक जो दूसरी श्रेणी है वो है आपके वंचित वर्ग की श्रेणी। देखो एक तो है अनाथ बच्चे की श्रेणी और एक है वंचित वर्ग की श्रेणी, इन दोनों को इसमें क्या मिलता है, लाभ मिलता है। अब हम बात करें अनाथ की, तो हमें पता है वंचित वर्ग में कौन कौन शामिल है, ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए। तो देखो इसमें बात करें तो लिखा हुआ है न्यायिक प्रक्रिया में मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता या पिता के बच्चे, मतलब क्या हुआ कि जो पालनहार योजना है उसके पात्र कौन रहेंगे, एक तो अनाथ बच्चे हैं वो पात्र है, दूसरी बात वंचित वर्ग की बात करें तो उसमें कौन पात्र है कि न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड दिया गया है। मान लो सरकार ने क्या किया गया है या जो कोर्ट है उसने क्या किया है, मृत्युदंड दे दिया है, साथ ही देखो या किसी को आजीवन कारावास दे दिया है, चाहे वो माता हो या चाहे पिता हो, तब क्या होगा वो किसके पात्र हो जाएंगे, जो पालनहार योजना है उसके पात्र हो जाएंगे। फिर देखो आगे बात करें, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के 3 बच्चे हैं वो भी किसमें शामिल होंगे, उनको भी पालनहार योजना में लाभ प्राप्त होगा। साथ ही देखो पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे हैं, मतलब क्या समझे कि कोई विधवा है उसका क्या हुआ पुनर्विवाह हो गया है, तो उसके जो बच्चे हैं उनको भी इसके पालनहार योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। फिर देखो HIV या एड्स पीड़ित माता या पिता है तो उनके बच्चे हैं उनको भी लाभ मिलेगा। कुष्ठ रोग से पीड़ित माता या पिता है तो उनके जो बच्चे हैं उनको भी पालनहार के तहत क्या मिलेगा, लाभ प्राप्त होगा। और नाता जाने वाली माता के 3 बच्चे, जो नाता प्रथा है आपने पढ़ा होगा इसमें आर्ट एंड कल्चर में, तो नाता प्रथा के तहत यदि कोई महिला गई भी है तो उसके जो 3 बच्चे हैं उनको भी किसमें शामिल किया जाएगा, वो पालनहार योजना के पात्र होंगे। फिर देखो आगे बात करें, विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे हैं तो उन्हें भी शामिल किया जाएगा, और तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के बच्चे, किसी को तलाक दिया हुआ है तो उसके यदि बच्चे हैं तो वो पालनहार में शामिल होंगे, और परित्यक्ता है मतलब जिसको उसके पति ने उस लड़की को छोड़ दिया है लेकिन अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है तो वो क्या कहलाती है, परित्यक्ता कहलाती है, तो उसके बच्चे हैं वो भी पालनहार योजना में पात्र होंगे। साथ ही जो सिलिकोसिस बीमारी है उससे पीड़ित कोई माता पिता है तो उनके बच्चों को भी लाभ मिलेगा। सिलिकोसिस क्या होता है, फेफड़ों में सिलिका के जाने के कारण क्या हो जाता है, एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है सिलिकोसिस। सिलिका क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा कोई खदान में काम करने वाले या कोई पत्थर के व्यवसायी है, जैसे पत्थर का जो काम करते हैं तो उसमें क्या होती है, सिलिका होती है मिट्टी में और पत्थर में, तो वो क्या हो जाती है कि नाक के जरिए फेफड़े में चले जाती है और उससे एक गंभीर बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं सिलिकोसिस। तो उससे यदि कोई पीड़ित है माता पिता तो उसके जो बच्चे हैं उनको भी क्या मिलेगी, जो आपके पालनहार योजना है उसमें लाभ प्राप्त होगा। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे बात करें कि इस अनुदान की शर्तें क्या क्या है, मतलब क्या क्या चीजें आप शर्त के रूप में बताई गई है, तो वो है कि पालनहार परिवार की वार्षिक आय है वो 1,20,000 रुपए से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, कितनी दी गई है तो 1,20,000 रुपए से कम होनी चाहिए वार्षिक आय। फिर देखो दूसरी बात, बच्चों की अधिकतम आयु है वो 18 वर्ष से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और आवेदन की तिथि के समय, मतलब जब आप आवेदन कर रहे हो तो उस समय से पहले आप लगभग 3 साल हैं वो राजस्थान में रह रहे हो, ये भी आवश्यक है। साथ में देखो यदि कोई बच्चा है वो 6 से 18 साल की उम्र का है तो वो विद्यालय जाना उसके लिए अनिवार्य है, और 6 साल से वो कम का है तब उसे आंगनवाड़ी जाना अनिवार्य है। यदि वो आंगनवाड़ी जा रहा है, यदि वो स्कूल में जा रहा है तब भी इसका पात्र होगा या तभी इसको लाभ मिलेगा पालनहार योजना का। फिर देखो आगे बात करें,
अब हम बात करते हैं कि इसमें वित्तीय सहायता कितनी प्रदान होती है, ये चीज एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, तो वित्तीय सहायता को आपको अच्छे से याद करना है। देखो 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग की बात करें तो उसमें क्या दिया जाता है, देखो श्रेणी ए, श्रेणी क में क्या है आपको पता है, अब श्रेणी क में कौन है, अनाथ बच्चे हैं, और श्रेणी ख में बात करें तो उसमें वंचित वर्ग की बात करते हैं हम, और वंचित वर्ग में कौन कौन शामिल है, तो जैसे मैंने बताया ये आपकी जो जो नौ जो है वो क्या है वंचित वर्ग में शामिल है। तो देखो वंचित वर्ग में बात करें और यहाँ लिखा हुआ आपके अनाथ बच्चे, तो देखो 0 से 6 की बात करूं तो 1500 रुपये प्रतिमाह तो किसे मिलेगा, अनाथ बच्चों को, और जो वंचित वर्ग है उन्हें कितना मिलेगा 750 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। वही बात करूं 6 से 18 वर्ष की उम्र के यदि बच्चे हैं जो कि क्या करते हैं स्कूल जाते हैं उन्हें 2500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे यदि अनाथ है तो, और यदि वंचित वर्ग में शामिल है तो कितने मिलेंगे 1500 रुपये मिलेंगे। तो ये चीज आपको अच्छे से याद करना है, क्या 1500 और 2500 और 750 और 1500 रुपये। साथ ही देखो जो बच्चे हैं उनके कपड़े खरीदने के लिए, उनके जूते खरीदने के लिए, स्वेटर खरीदने के लिए अतिरिक्त क्या दिए जाएंगे 2000 रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त दिए जाएंगे। लेकिन इसमें भी लिखा गया है कि विधवा पालनहार है या नाता पालनहार है तो उन्हें ये 2000 रुपये नहीं दिए जाएंगे, तो इस ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो मुझे बताओ यहाँ तक पालनहार योजना में आपको किसी प्रकार की समस्या है क्या, एक बार खुद से वापस देख लो, 2004 में शुरू हुई और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंदर ये योजना काम करती है। इसमें दो श्रेणियां हैं आपकी, एक तो अनाथ और एक वंचित वर्ग। वंचित वर्ग में कौन कौन शामिल है ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर देखो सबसे इंपॉर्टेंट कि वित्तीय सहायता कितनी प्रदान की जाती है, तो 1500 रुपये 0 से 6 वर्ष अनाथ है तो, और यदि क्या है वंचित वर्ग में आता है तो 750 रुपये, 6 से 18 वर्ष है तो 2500 रुपये, और वहीं वंचित वर्ग में आता है तो कितने रुपए 1500 रुपये प्रदान किए जाते हैं, और कपड़े जूते स्वेटर खरीदने के लिए कितने रुपए 2000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। यहाँ तक की चीज समझ में आ गई। फिर देखो आगे बात करें, आगे है आपके लिए श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, अति महत्वपूर्ण योजना है, चर्चा में बनी हुई योजना है, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपके महिला और बच्चों से दोनों से संबंधित योजना है। तो देखो इसकी बात करें तो अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई, तो ये हुई आपके 6 जनवरी 2024 को, कब 6 जनवरी 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी, और इसका पहले नाम क्या था, तो इसका पहले नाम था इंदिरा रसोई योजना। क्या नाम था, इंदिरा रसोई योजना था। और इस योजना की शुरुआत के बारे में बात करूं कि जो इंदिरा रसोई योजना है ये कब शुरू हुई थी, तो ये शुरू हुई थी 20 अगस्त 2020 को, कब शुरू हुई थी 20 अगस्त 2020 को जो आपके इंदिरा रसोई योजना है वो प्रारंभ हुई थी, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर देखो इसमें बात करें कि बदलाव क्या क्या किए गए हैं, मतलब पहले क्या था और अब क्या बदलाव कर दिया गया है, यही महत्वपूर्ण है, यही चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक तो कि जो इंदिरा रसोई योजना है इसका नाम क्या कर दिया गया है, तो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना इसका नाम कर दिया है। कब किया गया था, तो 6 जनवरी 2024 को, मेरे साथ बोलो कब, 6 जनवरी 2024 को इसको नाम ये कर दिया गया था। अब दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या बदलाव किए गए हैं, ये आपको याद रखना है। तो देखो थाली का वजन पहले कितना था, पहले 450 ग्राम था थाली का वजन, पर अब कितना कर दिया है 600 ग्राम कर दिया गया है, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 150 ग्राम है वो बढ़ा दिया गया है। साथ ही देखो थाली की कीमत पहले कितनी थी, 25 रुपये थी, अब कितनी है 30 रुपये है। ये 25 और 30 किसकी है, सरकार को इतना खर्चा आता है, कहां से समझे, पहले सरकार को कितना खर्चा आता था, पहले सरकार को एक थाली पर 25 रुपये का खर्चा आता था, लेकिन अब क्या हो गया है, अब सरकार को एक थाली पर कितने रुपए का खर्चा आता है, तो सरकार को 30 रुपये का खर्चा आता है। इसमें सरकार क्या करती है, अनुदान दे देती है, मतलब खुद की तरफ से पैसे दे देती है, कितने, पहले सरकार देती थी 17 रुपये और अब सरकार कितने देने लग गई, 22 रुपये देने लग गई। पहले भी थाली कितने की मिलती थी, मतलब जो आम नागरिक है उसको थाली कितने की मिलती थी, तो वो मिलती थी 8 रुपये की, अब भी कितने की मिलती है, 8 रुपये की मिलती है। इसका मतलब क्या है, अनुदान राशि को बढ़ा दिया गया था। अब देखो पहले अनुदान राशि कितनी मिली थी, 17 और 8 कितने हो गए 25, और अब कितनी मिल रही है 22 रुपये अनुदान दिया जा रहा है, और 22 और 8 क्या हो गया 30 रुपये, मतलब 30 रुपये की, देखो ध्यान से एक चीज को समझो, सरकार की कितने की पड़ रही है, 30 रुपये की वो थाली पड़ रही है, उसमें सरकार ने क्या किया 22 रुपये अनुदान दे दिया, मतलब 22 रुपये सरकार ने दे दिए, तो अपने को कितने देने हैं, मात्र 8 रुपये देने हैं। पहले भी यही था, पहले अनुदान राशि 17 थी, उसको बढ़ाकर अब 22 कर दी गई है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्या क्या चीजें याद रखोगे, पहले थाली का वजन 450 ग्राम था, अब कितना कर दिया है 600 ग्राम कर दिया है, पहले 25 रुपये की थाली पड़ती थी, अब कितनी पड़ती है सरकार के 30 रुपये की, पहले 17 रुपये अनुदान था, अब उसको बढ़ाकर 22 रुपये कर दिया गया है, और मोस्ट इंपोर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि अभी भी 8 रुपये और पहले भी 8 रुपये की थाली आम जन को पड़ती है, ये चीज याद रखोगे। फिर देखो हम बात करेंगे थाली में क्या क्या, मेन्यू में क्या क्या दिया गया है, तो देखो 300 ग्राम क्या मिलेगी, चपाती मिलेगी, 100 ग्राम उसमें दाल मिलने वाली है, 100 ग्राम सब्जी मिलेगी, 100 ग्राम चावल और मोटे अनाज की खिचड़ी, मोटे अनाज की क्या मिलेगी, खिचड़ी भी मिलेगी, जिसे क्या बोलते हैं हम,
मोटे अनाज को मिलेट्स बोला जाता है, और जो मोदी जी है उन्होंने इस मिलेट्स को एक अलग से नाम दिया है जिसका नाम है श्री अन्न। क्या नाम दिया गया है? मोदी जी ने क्या बोला है कि ये जो मिलेट्स है, ये जो मोटे अनाज है, वो क्या है? श्री अन्न है। किसने कहा है? मोदी जी ने कहा है। तो इसमें क्या किया गया है? जो मोटे अनाज है, क्योंकि ये अपने शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो मोटे अनाज है जिसमें बाजरा हो गया, मूंग है, मक्का, ज्वार है, ये अपने शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो इसलिए इसको मोटे अनाज की जो खिचड़ी है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। प्रदेश में 1000 अन्नपूर्णा रसोई क्या है? संचालित है। तो इतनी चीजें आपको क्या होनी चाहिए? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के संबंध में आपको जानकारी रहनी चाहिए। तो मुझे बताओ आपको याद हो गई ना? अब फिर देखो आगे बात करते हैं अपन। आगे हैं आपके देवनारायण छात्र स्कूटी योजना। इस योजना के बारे में बात करें तो प्रारंभ कब हुई? तो 11-12 में ये प्रारंभ हुई थी। दूसरी बात, नोडल विभाग कौन सा है? तो उच्च शिक्षा विभाग है, वो क्या है? इसका नोडल विभाग है। दूसरी बात आती है कि इस योजना में जो देवनारायण छात्र स्कूटी योजना है, इसमें पात्र कौन कौन है? देखो पात्रता की बात करें तो अति पिछड़े वर्ग की बालिकाएं उसमें कौन कौन शामिल है? देखो बंजारा, बादलिया, लवाना, गाड़िया, जो गाड़िया लोहार होते हैं वो, और गाडोलिया, गुजर या गुरुजर जिसको बोलते हैं, रायका, रैबारी या जिसको हम देवासी बोलते हैं वो, और गडरिया, ये जो समाज की जो छात्राएं हैं वो इसमें शामिल है। शर्त क्या होनी चाहिए? जो पारिवारिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ये जरूर ध्यान रखना, कितनी आपकी 2.5 लाख रुपए से क्या होनी चाहिए? जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। फिर साथ ही देखो और क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो RBSE और जो CBSE में 12वीं कक्षा में 50% या अधिक अंक लाने पर स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययन हो। मतलब सरकार क्या चाहती है कि यदि कोई ऐसी छात्रा है जिसने क्या किया हो RBSE या CBSE में, उसने 12वीं क्लास में क्या किया है, 55 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, मतलब अंक सॉरी प्रतिशत 50% या उससे अधिक प्रतिशत उसने प्राप्त किए हैं, तो वो क्या करें? कॉलेज में जाए, वो क्या करें? ग्रेजुएशन करें। इसके लिए उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई है। फिर देखो आगे बात करें अपन। अब देखो नोट लगा क्या लिखा हुआ है कि बजट 2023-24 में कालीबाई भील अथवा देवनारायण योजनाओं में बालिकाओं को उपलब्ध कराई जाने वाली जो स्कूटी की संख्या है उसको बढ़ाकर 20,000 से कितनी कर दी गई है? 30,000 कर दी गई है बजट 2023-24 में। साथ ही इसमें जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है उसको भी विकल्प के रूप में शामिल कर दिया गया है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। फिर देखो हम बात करते हैं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। ये योजना आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से याद करोगे। इसमें बात करें तो नोडल विभाग कौन सा है, तो वही उच्च शिक्षा विभाग इसमें नोडल विभाग है। वही बात करें इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पहले नाम था मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015। याद रखना क्या कि जो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है उसका पहले नाम क्या था, तो उसका नाम था मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015। फिर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट क्या है कि बजट 2019-20 में क्या कर दिया गया था कि जो सभी स्कूटी के लिए जो योजना चल रही थी, जो स्कूटी वितरण योजना चल रही थी, उनको क्या किया गया? इंटीग्रेटेड कर दिया गया। उनको क्या कर दिया गया? एक में ही उसको मिक्स करके क्या कर दिया गया? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना नाम कर दिया गया था। ध्यान से समझिए क्या कि बजट 2019-20 में क्या किया गया, जितनी भी योजनाएं चल रही थी जो कि स्कूटी वितरण करवाती है, उन सबको क्या किया गया? मर्ज कर दिया गया और एक योजना बना दी गई, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। अब देखो इसमें क्या क्या शर्तें हैं। पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए? 2,50,000 रुपए मिनिमम आय होनी चाहिए। साथ ही हम बात करें RBSE की 12वीं कक्षा में न्यूनतम कितने परसेंट होने चाहिए? 65%। और CBSE में 12वीं कक्षा में यदि कोई छात्रा पढ़ रही है तो उसके लिए 75% अंक प्राप्त करना क्या होना चाहिए? अनिवार्य होना चाहिए। फिर देखो नेक्स्ट है आपके मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। बहुत महत्वपूर्ण योजना है। साथ ही ये योजना की बात करें तो जो कोरोना जब आया था COVID-19, उस समय जो उसकी सेकंड वेव थी, उस समय क्या हुआ था आपको ही पता है कि बहुत लोगों की डेथ हुई थी, और उसमें कुछ ऐसे परिवार थे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी और उसकी वजह से वो बिल्कुल असहाय हो गए थे। तो सरकार ने इसके लिए एक योजना लेकर आए थे जिसका नाम है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने इसमें शामिल की है। देखो योजना लागू कब हुई, तो 12 जून 2021 को ये योजना लागू हुई थी। इसमें लाभार्थी कौन होंगे? तो कोरोना महामारी से माता और पिता दोनों की अथवा एकल जीवित की मृत्यु हो जाने के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए योजना थी। ध्यान से समझना किसके लिए थी। मान लो COVID-19 है जिसमें क्या हुआ हो कि माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, या एकल जीवित कोई, मतलब मान लो कि कोई ऐसा परिवार है जिसमें माता की मृत्यु पहले से ही हो गई होगी, है ना, और जो पिता है उनकी मृत्यु COVID-19 के कारण हो गई, तो उनको भी पात्र होगा। साथ ही कोई ऐसी परिवार है जिनमें माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, तो वो भी इसमें पात्र होंगे, उनके लिए योजना चलाई गई है। फिर देखो इसमें प्रावधान क्या किया गया है कि प्रावधान है कि अनाथ बालक बालिका की तत्काल आवश्यकता हेतु सरकार ने क्या किया था, 1 लाख रुपए का अनुदान दिया था। कितने रुपए का?
₹1,00,000 का अनुदान दिया था। साथ ही देखो 18 वर्ष तक प्रतिमाह कितने रुपए दिए जाएंगे, तो ₹2,500 प्रतिमाह सहायता के रूप में दिए जाते हैं इसमें, और 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5,00,000 की सहायता की जाएगी। ध्यान से समझे क्या, पहली बात तो कि तुरंत क्या दिए जाएंगे, तुरंत सहायता के लिए ₹1,00,000 दे दिए, फिर क्या किया 18 वर्ष तक प्रतिमाह ₹2,500 और 18 वर्ष वो पूरे कंप्लीट हो जाता है तब क्या दिया जाता है, ₹5,00,000 की सहायता प्रदान की जाती है। फिर देखो 12वीं तक निशुल्क शिक्षा आवासीय विद्यालय अथवा छात्रावास के माध्यम से प्रदान की जाएगी, मतलब 12वीं तक क्या किया जाएगा, या तो निःशुल्क शिक्षा या तो आवासीय विद्यालय है उसमें प्रोवाइड करवा देंगे, या क्या करेंगे जो छात्रावास के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही देखो कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता में प्रवेश दिया जाएगा, उन्हें उनको प्रवेश देने में ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। देखो आगे देखें तो देखो कॉलेज छात्रों के लिए आवासीय सुविधाओं हेतु अंबेडकर डीबीटी जो योजना है, डीबीटी वाउचर योजना है, उसका लाभ मिलेगा, और युवाओं को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत रोजगार भत्ता दिए जाने में प्राथमिकता मिलेगी। तो ये सारी चीजें बताई गई है। फिर देखो आगे बात करें, आगे बात आती है जो विधवा है तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। मान लो जो बालक है, जो आपके देखो ये प्रावधान सब किसके थे, बालक बालिकाओं के लिए थे, अब हम बात करें कि जो विधवा है उनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो देखो COVID-19 से पति की मृत्यु होने के कारण विधवा हुई महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, क्या क्या ₹1,00,000 की सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा, और ₹1,500 प्रति माह विधवा पेंशन के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे, और विधवा महिलाओं को बच्चों को ₹1,000 प्रति बच्चा प्रति माह विद्यालय को सॉरी ऑफिस पर एक बार क्या लिखा हुआ है कि विधवा जो महिलाओं के बच्चों को ₹1,000 प्रति बच्चा प्रति माह, मतलब एक बच्चा है तो ₹1,000 और प्रति माह मतलब ₹1,000, मान लो दो बच्चे हैं तो कितने ₹2,000 प्रति माह उपलब्ध करवाए जाएंगे, तथा विद्यालय की पोशाक व पाठ्य पुस्तकों के लिए सालाना ₹2,000 अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे। देखो यहाँ तक हमने जो तो आपकी युवा की जो योजना है वो हमने पढ़ ली है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको याद भी हो रही होगी। आप कमेंट बॉक्स से बता सकते हो, और भी कोई आपको डाउट हो तो चीजें याद हो रही है नहीं हो रही है, मैं सारे आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। और मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि आपको किसी प्रकार का कोई भी टेंशन नहीं लेना है, मैं बिल्कुल कंप्लीट आपको सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही जितने भी आपके जो साथी हैं उनके साथ शेयर करना है आपको। धन्यवाद।